एक मकान के खंभे क्या है? बेलनाकार है, ठीक है। ऐसा कैसा बेलनाकार है देख लेंगे। यहाँ पर ऐसे ये एच हो गया, ये आर हो गया, एच हुआ या आर हो गया, देख लीजिए। यहाँ पर आर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर नहीं, और ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। मतलब 10 में कितना से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज होगा? 100, मतलब 20 बैठा दो। नहीं, यह क्या चीज हो गया? सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसका आयतन निकालना है, क्या निकालना है? आयतन निकालिए। तो आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? बेलनाकार खंभे का आयतन, बेलनाकार खंभे का, खंभे का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रखेंगे, इसका रख लीजिए 22, अगर पाई में भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, पाई को रहने देंगे, पाई नहीं रखिए मान। आर का कितना है? 20 का स्क्वायर, और एच कितना है? 1000 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई गुने 400 गुने 1000 गुने 1000, मतलब 400 उस पर 30 पाई, इतना हो जाएगा। यह क्या चीज में हुआ? सेंटीमीटर क्यूब। इधर एक बेलनाकार का हो गया, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है 15, यहां पर लिखेंगे 15 बेलनाकार खंभे, खंभों का आयतन बराबर 15 गुने 4 पर कितना 0 है? 5। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको यहां ले जाएंगे और यहां पर देख लेंगे 4 पर कितना 0 है? 5 0 है ना, गुने पाई। इसको करें 15 चौका 60 पर कितना जाएगा? 2 2 4 5 इतना क्या कंक्रीट लग जाएगा, हो गया। इसका कंक्रीट कितना लगेगा? कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता कितनी होगी? 2 बराबर इतना, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, इसका आंसर इतना ही होगा, इतना आंसर होगा। अगर आपको यह कह देगा मीटर में चेंज कीजिए तो मीटर में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आप पॉइंट बैठा दीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। 6 के पास आप 6 यहाँ ना, यहाँ 6 के बाद आप पॉइंट बैठाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। इसको देख लेंगे, इसको देख लीजिए, बना लेंगे इस टाइप का। कितना आंसर? तो इसका मान रखने में, पाई का मान रखेंगे तो आ जाएगा।
हालांकि पाई का मान हम रखे नहीं, पाई का मान नहीं रखे ताकि मान रखिए तो गुना भाग करना होगा, मान नहीं रखिएगा पाई में भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।